यह कहानी है एक गांव की जिसमें एक खतरनाक सड़क थी। लोग कहते थे कि उस सड़क पर रात को अजीब घटनाएं होती थीं और वह सड़क कभी भी खाली नहीं रहती थी। एक रात एक व्यक्ति अकेले अपने घर से गुजर रहा था। सड़क के किनारे कई पुराने पेड़ पौधों की छाया थी और वायुमंडलीय आवाजें चीरती थीं। वह गहरे विचलन में डूबा हुआ था जब अचानक सड़क पर कुछ अजीब दिखाई दिया। वह देखा कि सड़क के बीच में एक विशाल और भयंकर राक्षस खड़ा था। उसके चेहरे पर डरावनी हंसी थी और उसने व्यक्ति को अपने पास बुलाया। व्यक्ति तेजी से वहां से भागने लगा, लेकिन राक्षस उसकी पीछा करने लगा। सड़क के किनारे के पेड़ों ने भी उसका साथ दिया और उसने एक पुराने मंदिर में छुप जाने का फैसला किया। रात बिताने के बाद जब सुबह हुई तो व्यक्ति ने देखा कि वह मंदिर सड़क के पास ही था, लेकिन राक्षस गायब था। उसने वापस अपने गांव की ओर बढ़ने का निश्चय किया, लेकिन उसका मन कभी भी वह खतरनाक सड़क के पास जाने का नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि वह रात को सिर्फ एक विपरीत सपना था, लेकिन वह आज भी वही सड़क से दूर रहता है क्योंकि कभी कभी रात की गहराइयों में अजीब चीखें सुनाई देती हैं।